नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं, और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, ब्लड वेसल्स में अगर प्लाक जमने लगे तो एक अवरोध पैदा हो जाता है जिसको कि खोलना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसको खोलने में जो अवरोध जमा हुआ है इसको रिमूव करने के लिए गोल्डन मिल्क, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बेहद रामबाण है। और रक्त वाहिनियों में आई हुई रुकावट को हटाने के लिए गोल्डन मिल्क का उपयोग विदेशों में बहुत ही पॉजिटिवली किया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क क्या है और इसका कैसे उपयोग करना है और इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। गोल्डन मिल्क पीने से ब्लड वेसल्स में आई हुई सूजन कम होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गोल्डन मिल्क बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाता है। और आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क हृदय घात अर्थात हार्ट अटैक से भी बचाव करने में काफी लाभदायक है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि गोल्डन मिल्क को बनाने की विधि क्या है। इसके लिए जो सामग्री रिक्वायर्ड है वो इस तरह से है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम के आसपास, दूध 250 ग्राम यानी 1 गिलास, और दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर 1 चुटकी, लहसुन 2 कलियां, नारियल का तेल 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के आसपास, शहद आपने लेना है गर्मी के मौसम में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम, और सर्दियों का मौसम है तो 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम के आसपास। और इसको बनाने की विधि इस तरह से है, दूध को पहले छान लें और इसके बाद एक बार छानने के बाद आप इसको दोबारा नहीं छानेंगे और दूध को गर्म कर लें। लहसुन को पहले कूट कर चटनी सी बना लें और दूध में दालचीनी और कूटे हुए लहसुन को डाल दें। और ध्यान रहे कि लहसुन साबुत नहीं डालने हैं, इसको धीमी आंच पर गर्म करें। गर्म होने के बाद इसको बिना छाने किसी कांच के गिलास में डाल लें। इसमें हल्दी और शहद डालकर ऊपर से नारियल तेल डाल दें और अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लें और आपका गोल्डन मिल्क तैयार है। दोस्तों, जिन लोगों को दिमाग में फैट और फैटी एसिड्स को लेकर भ्रम रहता है, वो समझते हैं कि नारियल का तेल फैट बढ़ाता है, तो हम ही आपको बताना चाहेंगे कि नारियल तेल फैट नहीं बढ़ाता है। इसमें उपलब्ध फैटी एसिड्स होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल रेशो को ठीक करते हैं। इसके सेवन से मोटापा भी कम होता है। और इसके बारे में कोई आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आपको हमारी onlyayurved.com नाम की जो वेबसाइट है इस पे जाकर के देख सकते हैं, आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जो आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क हमने तैयार किया है हृदय के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी काफी लाभकारी है, इसलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अमृत समान होगा। तो दोस्तों, इस आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क के 15 से 45 दिन तक सेवन करने से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तो आप ये जरूर करके देखें और भगवान ने चाहा तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आप ये करें और आपके फीडबैक कमेंट्स आदि हमारे साथ जरूर शेयर करें।